नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है NTPC के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियर की वैकेंसी है, तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं आपको, हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे जिसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं नोकिया 7 प्लस। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज है 5,000 रुपये का और थर्ड प्राइज है 3,000 रुपये का। इसमें पार्टिसिपेट करने के कुछ रूल्स है, आपको हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना होगा, इस वीडियो को अपने फेसबुक पे एंड व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा, साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए गिव अवे क्वेश्चन का जवाब देना होगा और आप बन सकते हैं एक लकी विनर। चलिए अब हम जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स, साथ ही आपको बता देते हैं अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं वैकेंसी डिटेल्स दो पार्ट में बताऊंगा, पहले शॉर्ट डिटेल्स दूंगा उसके बाद विस्तार से बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर NTPC की भर्ती है, पोस्ट का नाम है डिप्लोमा इंजीनियर, एलिजिबिलिटी है डिप्लोमा, जॉब लोकेशन है कर्नाटका, लास्ट डेट है 4 जून 2018 और यहाँ पर एज लिमिट है मैक्सिमम 25 ईयर्स और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ntpccareers.net। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में विस्तार में। दोस्तों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है। पोस्ट का नाम क्या है, तो यहाँ पर पोस्ट का नाम है डिप्लोमा इंजीनियर। इसके लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगे गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन मांगी है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 70% मार्क्स। वहीं मैकेनिकल के लिए मांगी गई है डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 70% मार्क्स। फॉर CNI के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 70% मार्क्स। सैलरी कितनी मिलती है, तो यहाँ पर सैलरी मिलती है 15,500 रुपये से लेकर 34,500 रुपये तक। और अप्लीकेशन फीस क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर जनरल OBC के लिए अप्लीकेशन फीस है 300 रुपये, वहीं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। फॉर मोर डिटेल्स आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करें। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड है ऑनलाइन टेस्ट पर। दोस्तों अब सवाल रह जाता है कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो दोस्तों इसको अप्लाई करना बहुत ही इजी है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मेथड का सहारा लेना होगा, ये फॉर्म ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। इसके लिए आपको जाना होगा www.ntpc.co.in पे 19 मई से लेकर 4 जून के बीच में और अप्लाई कर देना है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है 19 मई और लास्ट डेट है 4 जून 2018। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो लिंक शो कर रहा है, पहला लिंक है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, वहीं सेकंड लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पहले पढ़ लें, उसके बाद ही सेकंड लिंक यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक का यूज करके अप्लाई करें। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके ही जाएं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के गिव अवे क्वेश्चन की। दोस्तों आज का गिव अवे क्वेश्चन है, मलयालम किस राज्य की राज्य भाषा है? आपके ऑप्शंस है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।